अस्सलाम बसिमल व रहमतुल्लाहि व वर्कू डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेवन टुडे आवर टॉपिक इज ट्रीज दैट इज रिटन बाय जॉइस किलम पॉइट

कि ये पोएम जो है ये जॉइस किलमर ने जो कि एक, एक अमेरिकन पोइट था 1913 में लिखी है और फिर ये मैगजीन ऑफ वर्स इन उसमें ये पब्लिश हुई है तो इससे पहले कि हम ट्रीज़ को पढ़ें हम वोल्ड एक शख्स था उसने कहा कि व्हेन यू ईट अ फ्रूट, थिंक ऑफ अ पर्सन हु प्लांटेड द ट्री जब आप एक मेवा खाते हो तो आप उस आदमी के बारे में सोचिएगा जिसने ये पौधा लगाया है तो इससे हमें पता चलता है कि ट्रीज़ की कितनी अहमियत है तो सबसे पहले हम रीडिंग पे जाएंगे तो उसके बाद लाइन टू लाइन हम इसकी ट्रांसलेशन बोथ इन इंग्लिश और कश्मीरी या उर्दू में करने की कोशिश करेंगे आई थिंक दैट आई शैल नेवर सी अ पोईम लवली एज ए ट्री A tree whose hungry mouth is pressed against the earth's sweet flowing breast. A tree that looks at God all day and lifts her leafy arms to pray. A tree that may in summer wear a nest of robins in her hair, upon whose bosom snow has lain.

देट ही शल नी ए पाइम एज लवली एज अ ट्री वो एक नजम को कभी ऐसा खूबसूरत नहीं पाता है या पाती है जैसा कि वो एक दरख्त को पाती है मैं बासा बासान कजम यी खूबसूरत यूतः कुलसान और दुमस मज प a ट्री that लुक्स एट God ऑल डे ट्री हूज हंगरी माउथ इज पगेस्ट दर्थ स्वीट फ्लोइंग पस्ड इसका मतलब ये है इट इज सरवायल डिपेंड्स ऑन द वाटर फ्राम द ग्राउंड अ जाना कि कुल या लागान यहमीनस महिला लागान और मूलन हि जरिए क मूलन हि जरिए कह कुल और योज् वन अर्थ स्वीट फ्लोइंग मीन्स वाटर दैट कीपी एलॉ सह कुलंद जाना कि कुल जमीन पे या यानी जमीन की वजह च यह जकान रोज़ित और ऐसी ऐसी ये व्यचोम नूट्रंट मिलान तम तेमी अगर जन कुल जमीन वपदान्ल कुल ग़ज़ा हासिल कम चीज तो न्या अच्च्रे लुक्स एट गाड आल डे एंड हार लिफ ही कुल हूं हर क्खा

अम पाया बे अमिशा लाइन चु ब्रोकन पकान अतन जो बनान अ टी दट मे इन समर व नस्ट ऑफ रॉबन इज इन हर हियर मींस बर्ड्स डिपेंड ऑन अंडरग्रोथ ऑफ़ आफ अ ट्री फार शल्टर यम हा पंदा ज

कि मॉस में गर्मास दोरा नसे छि यम पारिंद बनावा पानि एल कुलिन पैठ और पतके छ बनान अपॉन हुज बूजम सुनो हैज लैन हु है इंटिमेटली लिव्स विद रेन बूजम मतलब गो ट्रंक्स ट्रंक्स ऑफ द ट्रीज आर यूजुअली कवर्ड विद कोल्ड एंड سنو ड्यूरिंग द विंटर यम से कुलिन निम गुड एसेंशियल वंद काल असनच अमन पैठस असन शिन या इवन कह अमक लजन पे शे क्या चेहरा दे बलोज द ट्रीज बलोज जूरंग रे युम हाचलान अद मौसम मांग ना देसा अब कि हम बर्दाश कर सर्दी से हक बर्दाशत कर खोलडा बर्दाश्त हाथ पी अटा शम मेड बाई फूल लाइक मी शुर्शन कि पम हसाच्च मिजी नफर फूल व्यूबुस् वन अल्लाह तंस् कुलफी कम तर प बन मगर ट्री हूं बन कहीं बट ऑनली मेक अ ट्री कुल सिर्फ खुदा बन कुलिस हको पायम बन सह हेको बन अतिन वन ट्रीज आर नॉट मेड बाय मैन दे आर मेड बाय गॉड बाड बाइबज हमसेल्फ एज अ फूल टू एक्सप्रेस द इनफीरियॉरिटी ऑफ इनफीरियॉरिटी टू वर्क्स ऑफ द गाड हिज इनफ्रीरियाट जो यानी पन कमतर आसन च यह अल्लाह ताली सारगरी ब्रोह कई र कसा हे पायम बन मगर शार हम कुल बन तो कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं जो यहाँ इसमें इस्तेमाल हुए हैं तो वो मैं आपको बताता हूँ लवली मीन् ब्यूटीफुल इसी तरह यहाँ पर ब्रेस्ट है ब्रेस्ट मीनज चेस्ट लीफी मीनज फुल ऑफ लीवस रॉबिनस मीनज अ स्मॉल ब्राउन यूरोपियन यूरोपियन बर्ड एंड देन बूजम मीनज चेस्ट एंड देन लैन टू बी इन आर मू इू हॉरिजेंटल पोजिशन Intimately means closely. You against means uh, adjoin. Hungry means extremely desirous, need or desire to eat food. Pressed means ask for request earnestly. So, some more things that I will tell you about uh, the rhyming words are here day and pre. That have the same sound. The words which have the same sound are called rhyming words we are here see tree land ran me tree breast chest these are the rhyming words some of the rhyming words which are used in this poem so dear students i think that you must have got this uh, the meaning of the poem because I told you the meaning of the poem line by, by line, so it's Okay.